अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी कंसर्न्स। ब्यूटी कंसर्न्स में मैं आज आपको होम रेमेडी बताऊंगी। होम रेमेडी वो बताऊंगी कि जिससे आपकी स्किन टैन जो हो जाती है गर्मी की वजह से, धूप की वजह से या सर्दी की वजह से, तो वो टैनिंग ख़त्म होगी और जो एक्नी स्कार्स होंगे वो ख़त्म हो गए। अगर एक्नी आ रही है आपकी स्किन में तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो अनवांटेड हेयर जो हमारे स्किन पर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको घर में एक बहुत ही इजी घर की चीज़ों से होम रेमेडी बताऊंगी, जिसको फॉलो करें। फॉलो करने से आपके ये सारे प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें घर की चार पांच चीज़ें चाहिए। चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए राइस फ्लोर, राइस का आटा। ये हमें आधा चम्मच चाहिए क्योंकि मैं एक फेस के लिए बना रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फेस पे, तो ये फेस पे भी हो सकता है, हैंड्स एंड फुट पर भी हो सकता है। ये आप फेस के जो अनवांटेड हेयर है ना, उससे के ख़त्म हो जाएंगे इसके दो तीन बार यूज़ करने से। हमने राइस लिया है, अब हम इसमें थोड़ी सी लेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा। थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड करेंगे। और विटामिन सी के तौर पर हम जो किन्नू आजकल है, ऑरेंज, इनको लेंगे, इसका रस लेंगे थोड़ा सा। आप इस तरह निचोड़ लें, इससे हमारी स्किन को विटामिन सी मिलेगा। आधा चम्मच हम ये ले लेंगे और थोड़ी सी हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। और दो तीन कतरे सिर्फ लीमू का हम इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ दो तीन कतरे, क्योंकि हम फेस के लिए बना रहे हैं ना, सिर्फ लीमू फेस के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो अगर हम ज़्यादा मकदार में डालेंगे तो हमारे फेस पर इसके कुछ, जैसे सेंसिटिव स्किन वालों के कोई मसला हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए हम जो लीमू है ना वो बहुत ही कम लेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो अब आपने इसको फेस पर इस तरह अप्लाई करना है, इसको लेकर फेस पर ऐसे लगाकर फुल फेस पर छोड़ देना है, जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर, स्किन टैन और एक्नी वगैरह ना, वहाँ वहाँ आपने लगा के इसको छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको ऐसे हल्के हाथ से ऐसे मसलना है और जो आपके होंगे हेयर्स वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे फेस के। अगर आप ये हैंड्स पर करेंगे तो ये हैंड के भी हो जाएंगे, बाजुओं पर भी हो जाते हैं, लेकिन बाजुओं पर ज़्यादा दफ़ा करने से होते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा थिक होते हैं। फेस के जो हेयर्स हैं ना वो आपके ज़रूर रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपने इसको करना है लगाने के बाद, जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा। अब दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, इसमें मैंने क्या चीज़ें डाली हैं, राइस फ्लोर, चावल का आटा, दही, हल्दी, लीमू, ऑरेंज, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसको फेस पर अप्लाई करना है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को लाइक कर दें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्किन टैनिंग इससे ख़त्म होगी और आपकी स्किन के जो तकरीबन मसले हैं ना वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स भी ये ख़त्म करता है क्योंकि इसमें हल्दी है ना, वो हल्दी हमारे स्किन में जितने भी ऐसे मसले हैं उनको ख़त्म करती है।